हाई गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल होप यू गाइज आर डूइंग वेरी वेरी वेल सो ये जो दिन था ये दशहरे का नेक्स्ट डे था मतलब ट्वेंटी फिथ अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो अभी ने मेरे को बोला कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है सो so रेडी हो जाओ एंड मैं हो भी गई सुबह सुबह उठ के मेरे हाथ के सामने जो भी मुझे मिला वो पहन के ही मैं रेडी हो गई एंड हीयर ही इज़ सो लेस को फॉर माई सरप्राइज सो आई हैड नो आइडिया कि मेरे लिए क्या सरप्राइज है बट आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड एट दैट टाइम कि हम कहाँ जा रहे हैं क्या सरप्राइज है एंड आप देख सकते हो कि सारे पंडाल जो है यहाँ पे अभी भी लगे हुए हैं क्योंकि दुर्गा पूजा का जो विसर्जन होता है ना वो दशहरे के टाइम पे नहीं होता है दो तीन दिन बाद होता है तो इसी वजह से तब भी बहुत ज़्यादा क्राउड थे एंड हम सीधा जाके रुके कैडेट लेन के सामने प्रिटी शॉक बिकॉज तब भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है एंड देन दिस इज़ हैपन ही फाइनली प्रपोज्ड मी माई गॉड आई एम एंगेज सरप्राइज़ का जो सिलसिला है वो यही ख़त्म नहीं होता है गाइज रात में वो कहीं से आता है एंड उस वक्त मैं वॉशरूम जा रही थी फ्रेशन अप होने के लिए आई वॉज टू टायर्ड वो बट वो मेरे को जाने ही नहीं दे रहा था रोक के रखा था एंड फिर से उसने मेरे को रोज देख के प्रपोज किया इट वाज ए वेरी वेरी बिग डे ऑफ माय लाइफ आई एम सुपर सुपर हैप्पी एट दैट डे थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग